खबर गोड्डा और गोड्डा के आसपास से है। 24 घंटे में दोनों दुष्कर्मी गिरफ्तार। आश्रम की बढ़ाई गई सुरक्षा। गोड्डा में महर्षि मेही आश्रम की साध्वी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाला दूसरा आरोपित आशीष राणा को पुलिस ने बुधवार को तड़के गिरफ्तार कर लिया है। एसपी वाईएस रमेश ने इसकी पुष्टि की है। साध्वी के साथ दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं। मंगलवार को एक आरोपी दीपक राणा गिरफ्तार किया गया था। अब दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपित के दो साथियों की गिरफ्तारी होनी शेष है। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पहुंचे भागलपुर। कहा, भू माफिया बिगाड़ रहे हैं शहर की सूरत। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा नेताओं ने क्षेत्र का दौरा शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बुधवार को गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नाथनगर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कौशिक नाथ झा लेन स्थित शक्ति केंद्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भागलपुर शहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी की सूची में पहले नंबर पर रखा था, लेकिन इसके बाद भी इसका विकास नहीं हो सका। इसका एक कारण शहर का बेहतरीन तरीके से बसा होना और दूसरा कारण भू माफिया की मनमानी है। गरीब मरीजों के लिए जीवन दायनी बनी डायलिसिस यूनिट। सदर अस्पताल में डायलिसिस वार्ड के मरीजों का उपचार शुरू हो गया है। बीते दिनों 3 मरीज का उपचार सदर अस्पताल के द्वितीय तल स्थित डायलिसिस यूनिट में किया गया, जहां 4-4 घंटा के 2 शिफ्ट में मरीजों का डायलिसिस किया जा रहा है। ज्ञात हो कि सरकार की ओर से यह उपचार मुफ्त में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जिले में 3 दर्जे से अधिक डायलिसिस के मरीज हैं। इससे पूर्व किडनी फेल होने के बाद मरीजों को डायलिसिस कराने के लिए दूरदराज क्षेत्र में जाना पड़ता था। वहीं औसतन प्रति सप्ताह 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च हो जाता था। धोखाधड़ी कर बहाल सेविका को हटाने की मांग। ठाकुरगंगटी प्रखंड अंतर्गत मानिकपुर पंचायत के गुड़ गुलाल आंगनबाड़ी केंद्र में गलत प्रमाण पत्र देकर धोखाधड़ी से सेविका पद पर बहाल हुई सेविका को बर्खास्त कर नए सिरे से ग्राम सभा कर सेविका चयन की मांग उपायुक्त से की गई है। ग्रामीणों ने डीसी को ज्ञापन सौंप कर पूरे मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। गोड्डा में नहीं थम रही गैंगरेप की वारदात। विधवा के साथ 5 मनचलों ने किया गंदा काम। खबर झारखंड के गोड्डा से है। गोड्डा में महिलाओं के साथ वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे के भीतर गोड्डा में फिर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 23 वर्षीय विधवा के साथ 5 मनचलों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है। मामला ललमटिया थाना क्षेत्र का है। हालांकि ललमटिया थाना की पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है। कमात्सु हाइड्रोलिक मशीन से बढ़ेगी खनन की रफ्तार। राजमहल परियोजना में बुधवार को दूसरी कमात्सु पीसी 2008 मशीन को महाप्रबंधक प्रभारी डीके नायक ने एक्सकेवेशन विभाग को सौंप दिया है। मशीन सीधे खदान क्षेत्र में महाप्रबंधक उत्खनन पीके राय को सौंपा गया है। फील्ड इंचार्ज अभय ठाकुर की उपस्थिति में एक औपचारिक शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों ने मशीन से बेहतर कार्य करने का संकल्प दोहराया। जापान की बेहतरीन हैक्डो हाइड्रोलिक एक्सोवेटर मशीन एक बार में 12 क्यूबिक मीटर कोयले या मिट्टी का उठाव करते हुए इसे डंपर पर त्वरित गति से लोड कर सकेगी। इसकी उक्त क्षमता को लाभ अब ECL प्रबंधन को मिलेगा। छापेमारी में 40 लीटर महुआ शराब जब्त, एक गिरफ्तार। खबर गोड्डा के सुंदर पहाड़ी से है। इन दिनों अवैध रूप से हर जगह हाट बाजार में चौक चौराहे पर खुलेआम महुआ शराब की खरीद बिक्री एवं शराबियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बुधवार को थाना प्रभारी राजीव कुमार रंजन एवं उत्पाद सब इंस्पेक्टर ने काला जोर चौक पर बिक्री कर रहे लोगों से 40 लीटर महुआ शराब जब्त किया है। साथ ही 50 किलोग्राम जावा महुआ को भी नष्ट कर दिया है। इसी क्रम में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में पुलिस ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। एक स्वर में बोले संत समाज, दुष्कर्मियों की सजा को भी स्पीड ट्रायल। सदर प्रखंड के पथवारा कठोन स्थित संत सेवी समाज गौरव कुंज टाड़ावार परिसर में बुधवार को स्वामी सदानंद जी के महाराज की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें महर्षि मेही आश्रम की साध्वी के साथ दुष्कर्म की घटना के आरोपितों को स्पीडी ट्रायल करते हुए फांसी की सजा देने की मांग की है। एक स्वर में की गई। इस दौरान जिला संत मत संसंग समिति के मंत्री रामचरित पंडित एवं उप मंत्री ओम प्रकाश मंडल ने 13 सितंबर को प्रशासन की अनुमति से महर्षि मेही ट्रस्ट गोड्डा से सामूहिक दुष्कर्म को लेकर जिला मुख्यालय में एक कैंडल मार्च निकालने की घोषणा की है। पर देवघर से, देवघर पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 36 मोबाइल बरामद।
देवघर पुलिस ने साइबर अपराधियों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर देवघर साइबर पुलिस ने छापेमारी करके 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें थे एक पैथरोल थाना अंतर्गत रूपाबाद से और 10 मधुपुर थाना के बड़ा राजा बांध के रहने वाले हैं। देवघर SP पीयूष पांडे ने बताया कि सभी गिरफ्तार आरोपी सातिर साइबर अपराधी है। इनमें से पथरौला थाना से गिरफ्तार संतोष दास पहले साइबर अपराध में जेल जा चुके हैं और अभी जमानत पर हैं। बाकी मधुपुर से गिरफ्तार 10 में से 4 आरोपी आपस में चाचा भतीजा लगते हैं। इसके साइबर फ्रॉड करने के तरीके की जानकारी देते हुए SP ने बताया कि कस्टमर केयर या बैंक प्रतिनिधि बनकर इनके द्वारा ग्राहकों को विश्वास मिलेकर उनसे उनका बैंक डिटेल पूछा जाता था। पुत्र की दीर्घायु को माताएं आज रखेंगी निर्जला उपवास। जिले के सभी प्रखंडों में बुधवार को नहाए खाए के साथ जीतिया पर्व शुरू हो गया है। आज व्रत रखने वाली माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखेंगी। शुक्रवार को पारण के साथ व्रत पूरा करेगी। उपवास के दौरान महिलाएं शाम में जीवित पुत्रिका व्रत कथा का श्रवण करती है। मान्यता है कि यह व्रत बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। यह व्रत कुछ इलाकों में इसे जीवतिया भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। खबर है साहेबगंज से। आंगनवाड़ी केंद्रों में लगी पोषण प्रदर्शनी। प्रखंड की समसपुर पंचायत में बुधवार को राष्ट्रीय पोषण माह के तहत शारीरिक दूरी का पालन करते हुए प्रदर्शनी लगाई गई। पर्यवेक्षिका स्वाति निभाकर ने बताया कि माताओं को अपने बच्चों के प्रति पोषण को बेहतर करना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम में 0 से 6 वर्षों के बच्चे और उनके माता पिता शामिल हुए और उन्हें पोषण के प्रति जागरूकता किया गया। साथ ही उसे अपने और बच्चों के भोजन में पौष्टिकता के लिए हरी साग सब्जी जैसे आलू बैंगन टमाटर पपीता सहजन बीट गोभी सोयाबीन का प्रयोग करने की सलाह दी गई। इस दौरान उपस्थित लाभार्थियों के बीच गोद भराई पोषण आहार हैंड वॉशिंग ग्रोथ मॉनिटरिंग और माँ को अपने बच्चों को कंगारू जैसे देखभाल विधि एवं उनसे होने वाले लाभों को भी बताया गया। सभी लाभार्थियों को एक पोषित समाज की स्थापना करने हेतु शपथ दिलाई गई। मौके पर पीरामल फाउंडेशन के शमशाद आलम समसपुर पंचायत के मुखिया सबीना मुर्मू महिला पर्यवेक्षिका स्वाति निभाकर सेविका सैया आदि मौजूद थे। कृषि विज्ञान केंद्र बांटे का वेजिटेबल किट। खबर बताया जा रहा है कि साहेबगंज से है। जिला कृषि विज्ञान केंद्र पोषण माह पर आंगनवाड़ी केंद्र की सेविकाओं को वेजिटेबल किट का वितरण करेगा। पोषण माह में 17 सितंबर को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देगा। इसके माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्र के जमीन पर सब्जियों की खेती की जानकारी दी जाएगी। जिला कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अमृत कुमार झा ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से आंगनबाड़ी में पोषण वाटिका यूनिट बनाने को लेकर महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि बेहतर तरीके से सब्जी की खेती कर कुपोषण से केंद्र परिवार और समाज को बचा जा सके। प्रशिक्षण शिविर में को भी सहभागिता निभाएगा और वेजिटेबल किट का वितरण करेगा। बताया कि साहेबगंज में ग्रामीणों क्षेत्र में काफी संख्या में महिलाओं कुपोषण की शिकार हैं। बच्चे भी कुपोषित हो रहे हैं। कुपोषण मुक्त बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से यह प्रयास किया जाएगा। जिला कृषि विज्ञान केंद्र का महिला वैज्ञानिक डॉक्टर माया कुमार बताया कि अगर आंगनबाड़ी की सेविका चाहे तो खुद का सब उपजाकर बच्चों एवं गर्भवती व धात्री माताओं को भोजन के रूप देकर शरीर में पर्याप्त पौष्टिक आहार उपलब्ध करा सकती है। वह पाकुड़ से वसूली करते हुए वीडियो वायरल होने पर नपेंगे थानेदार। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बुधवार को मासिक अपराध गोष्ठी हुई। इस दौरान SP मनीलाल मंडल ने बीते अगस्त माह में विभिन्न थानों में घटना दुर्घटना सहित दर्जन अन्य मामलों की थानेवार समीक्षा की। इस दौरान सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर किसी थाना क्षेत्र में अवैध वसूली करते हुए वीडियो वायरल हुआ तो संबंधित थानेदार व पुलिसकर्मी पर गाज गिरेगी। मासिक समीक्षा बैठक में SP ने कांडों के शीघ्र निष्पादन और अनुसंसाधन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। कहा कि COVID-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी व स्वास्थ्य कर्मियों को सहयोग करें। BGR कंपनी द्वारा कोयला परिवहन के दौरान हो रही चोरी को पूर्णतः बंद कराएं तथा कोयला बिचौलिया पर कार्रवाई करें। इसके अलावा कहे अवैध बालू की ढुलाई पर पूर्णतः रोक लगाएं। ट्विटर से प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करें। थाना में आने वाले से सुविचार आचरण का परिचय प्रस्तुत करते हुए उनकी समस्याओं को सुनें।
समस्याओं का शीघ्र निराकरण करें। सभी थानों में माह के प्रथम एवं अंतिम सप्ताह के रविवार को थाना दिवस कार्यक्रम करें। स्थानीय ग्रामीणों को चौकीदार के माध्यम से समस्याओं को लेकर आने का आग्रह करें। थाना स्तर से नहीं होने पर निष्पादित समस्याओं का प्रतिवेदन बनाकर एसपी कार्यालय में भेज दें। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।